दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड आंसर टू क्लाइमेट चेंज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है, तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गठित गंगा परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में सतत कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दोनों तरफ किनारों के 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यानी NIRDPR ने बिहार और मध्य प्रदेश में 25 जलवायु स्मार्ट कृषि तकनीकों पर एक पायलट प्रोजेक्ट का समन्वय किया था। वहीं राज्यों ने 2015 और 2019 के बीच के समय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए संवेदनशील माना है। भविष्य की रणनीतियों के सुझावों के साथ इस परियोजना के निष्कर्षों को NIRDPR द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषि में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेश किया गया। ऐसे में हमारा यहाँ यह जानना जरूरी है कि पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियों में अहम सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है और इन तीनों कृषि पद्धतियों में क्या अंतर है। इन पद्धतियों पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर इन कृषि पद्धतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार विश्व में 60% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। इसी तरह भारत में कृषि पर आश्रित जनसंख्या लगभग 55% से ज्यादा है। कृषि क्रियाकलाप दुनिया के उन प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए पर्याप्त जलवायविक और स्थलाकृतिक दशाएं मौजूद हैं। हम इस बात से परिचित हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। पारंपरिक रूप से हमारे देश में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे प्रकृति के जैविक और अजैविक वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होते थे। कालांतर में संपूर्ण विश्व में विशेषकर हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या बनकर उभरी। ऐसे समय में हरित क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए शोध, विकास एवं तकनीकी परिवर्तन और अन्य कदमों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने विकासशील देशों विशेषकर भारत को खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर बनाया, लेकिन हरित क्रांति में सिंचाई के साधनों और उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से जल स्तर में गिरावट के साथ साथ मृदा की उर्वरता भी प्रभावित हुई। एक समय बाद खाद्यान्न उत्पादन न केवल स्थिर हो गया बल्कि इससे प्रकृति के जैविक और अजैविक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ गया, जिससे प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हुई। मृदा में हजारों किस्म के जीव जंतु एवं जीवाणु होते हैं जो खेती के लिए महत्वपूर्ण अनेक क्रियाओं में सहायक होते हैं, लेकिन रसायनों के इस्तेमाल के कारण इनके नष्ट होने से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आई, फलतः उत्पादन प्रभावित हुआ। इससे अंतिम रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ और इस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आई। इन परिवर्तनों के साथ ही दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या और बदलता हुआ खान पान आदि खाद्य मांग को प्रभावित करने लगे। नतीजतन एक बड़े हिस्से तक पोषणयुक्त खाद्य की पहुंच सुनिश्चित कर पाना चुनौतीपूर्ण हो गया। एक आंकड़े के मुताबिक 2017 तक पूरी दुनिया में पोषण से वंचित जनसंख्या लगभग 821 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज के दौर में खाद्य सुरक्षा प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रही है। इन्हीं दुष्प्रभावों के कारण आज पूरी दुनिया में संरक्षण कृषि, सतत कृषि, जैविक कृषि और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वक्त की जरूरत है। इसलिए इन अवधारणाओं पर चर्चा करना जरूरी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सतत कृषि, जैविक कृषि और क्लाइमेट स्मार्ट कृषि में अंतर नहीं है। दरअसल सतत कृषि एक बहुत बड़ी अवधारणा है
जिसके दायरे में संरक्षण कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि और जैविक कृषि की अवधारणाएं आती हैं। अगर बात संरक्षण कृषि की करें तो यह 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसमें न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, फसल चक्र और फसल अवशिष्ट शामिल हैं। दूसरी तरफ जब हम बात जैविक कृषि की करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग की बात करते हैं, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का योगदान भी शामिल है। इसी क्रम में जब बात सतत कृषि की करते हैं तो यह एक व्यापक अवधारणा के रूप में सामने आती है। सतत कृषि का मकसद भविष्य की पीढ़ियों का ख्याल रखते हुए आज की जरूरतों को पूरा करना है। तो आइए जानते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कृषि पद्धति को परिवर्तित करने, विकास तथा खाद्य सुरक्षा को प्रभावी करने वाली पद्धति को संबल प्रदान करने की पहल है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भूभाग, क्रॉपलैंड, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट और फिशरीज का एकीकृत रूप से प्रबंधन करने की प्रक्रिया भी है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 3 प्रकार के उपागम को समाहित करने की बात करता है। इन मकसदों में पहला मकसद है बढ़ी हुई उत्पादकता, दूसरा है लचीलेपन को बढ़ावा देना और तीसरा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अगर बात क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से होने वाले फायदों की करें तो इसके फायदे बहुआयामी हैं। यह कृषि पद्धति भूमि, कृषि लागत, उत्पाद, परिवहन, बाजार, अर्थव्यवस्था, किसान और पूरे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि में भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। अगला फायदा यह है कि सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और भूमि से जल का वाष्पीकरण कम होता है। इन लाभों के साथ ही पर्यावरण को बेहद लाभ होता है, जिसमें भौम जल स्तर में वृद्धि होना, मृदा, खाद्य पदार्थ और भूमि में जल के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आना, अपशिष्ट का उचित उपयोग हो पाना, फसल उत्पादन की लागत में कमी और किसानों की आय में वृद्धि होना आदि शामिल हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत स्थानीय स्तर पर फसल उगाकर वहीं के बाजार से उपलब्धता सुनिश्चित करने से परिवहन लागत में कमी आती है और उत्पाद की महंगाई भी नहीं बढ़ती है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की मुख्य विशेषताओं में एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन और शमन यानी मिटिगेशन को एक साथ शामिल किया जाता है, ताकि खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि प्रणाली को विकसित किया जा सके। यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ अनुकूलन करने में मदद करता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के फायदों और प्रभावों का आकलन करने के लिए FAO, UN और अन्य संस्थाओं द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया गया, जिसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी हो जाता है। तो आइए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रभावों पर हुए अध्ययन की प्रमुख बातों को देखते हैं। अफ्रीका में हुए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अफ्रीका की विभिन्न समस्याओं के लिए बहुत बेहतरीन समाधान है। यह अफ्रीका की भौगोलिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कारगर साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप लंबे समय से सूखे और बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहा है। अफ्रीका की जनसंख्या अभी लगभग 0.9 बिलियन है, जिसकी 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। अफ्रीका एक अपेक्षाकृत गरीब महाद्वीप है, जिसे तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। यहाँ सब सहारन क्षेत्र में अनुमानतः 1/3 से ज्यादा लोग कुपोषित हैं, लिहाजा भविष्य में यहाँ खाद्य जरूरतों को पूरा कर पाना एक चुनौती भरा काम है। वहीं बेहतर भूमि प्रबंधन कृषि प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने में सहायक है। सब सहारन अफ्रीका में सुधारात्मक भू प्रबंधन नीति का उपयोग किया गया, जिससे उस क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार और उत्पादन को बढ़ाया जा सका। इससे खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई। एक अन्य प्रभाव यह भी है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से अफ्रीका में मरुस्थलीकरण की रफ्तार को कम किया जा सकता है। यहाँ मरुस्थलीकरण और भू निम्नीकरण की समस्या बहुत ज्यादा है, विशेषकर साहिल और दक्षिणी अफ्रीका के किनारों पर
मरुस्थलीकरण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी तरह इथोपिया में हुए एक अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 27,000 हेक्टेयर की एक निम्नीकृत वन क्षेत्र और प्रजातियों की विविधता वाली भूमि का क्षरण हो गया। इसके पुनः भरण के लिए यहाँ के किसानों ने महंगे नर्सरी स्टॉक्स के पौधों की रीप्लांटिंग करने की बजाय प्राकृतिक रीजनरेशन की नीति अपनाई। नतीजा यह हुआ कि 90% से ज़्यादा वन रीस्टोर्ड हो चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि जब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बहुतेरे लाभ हैं तो हमारी सरकारों ने इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में अहम है सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आदि। महाराष्ट्र की विशेष पहल महाराष्ट्र प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी सराहनीय है। इस प्रोजेक्ट के तहत 420 मिलियन यूएस डॉलर का वित्त उपलब्ध कराकर जलवायु के प्रति अनुकूलन और शमन यानी मिटिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा भारत के कुल भूभाग को 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा गया है। इसका मकसद हर इकोलॉजिकल रीजन्स के मृदा के प्रकार, वहाँ के तापमान, वर्षण आदि के हिसाब से उचित फसल बोना है, जिससे उपज भी अच्छी हो और मृदा की उर्वरता भी बनी रहे। हालांकि सरकार और लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों से सतत कृषि और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कृषि से होने वाले उत्सर्जन में कमी किए जाने की दरकार है। साथ ही देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया करा पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या हो आगे की राह, जिससे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की राह पर चलते हुए सतत कृषि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दरअसल भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और कृषकों के हक में और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जैसे स्थानीय स्तर पर ही मृदा उपयुक्त अनाजों को उगाया जाना, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित अनुपात में उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग, सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित किया जाना ताकि परिवहन के दौरान होने वाले उत्सर्जन को और कीमत लागत को कम किया जा सके। कुसुम परियोजना जैसी पर्यावरण हितैषी योजनाएं भी इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। इसके अलावा सिंचाई की विभिन्न तकनीकों का अनुसरण करना जरूरी है, जैसे ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकल पद्धति आदि। जल प्रबंधन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए सबसे अहम स्तंभों में से एक है। साथ ही क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भू प्रबंधन भी एक जरूरी शर्त है। इस दिशा में सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर भी संजीदगी से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह किस प्रकार सहायक हो सकता है? इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है? रेखांकित कीजिए।